नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार समाज कल्याण विभाग ने बिहार के प्रत्येक जिले में बिहार किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के विभिन्न पदों की 52 रिक्त पदों को भरने के लिए एक रिक्त अधिसूचना जारी की है। भर्ती से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं। बिहार समाज कल्याण विभाग सामाजिक कार्यकर्ता का भर्ती विवरण कुछ इस प्रकार है। भर्ती संगठन का नाम बिहार समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, समिति का नाम बिहार किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति। कौन आवेदन कर सकता है, तो इन पदों के लिए केवल बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल है कि किन पदों के लिए आवेदन की मांग की जा रही है, तो हम आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता पद के लिए आवेदनों की मांग की गई है। रिक्तियों की कुल संख्या इसके लिए 52 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों के आवेदक का किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आयु सीमा की बात करें तो इन पदों के आवेदक की आयु सीमा कम से कम 30 साल और अधिक से अधिक 65 साल तक होनी चाहिए। अगर हम इन पदों के लिए वेतन की बात करें तो बोर्ड के सदस्यों के प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपए दिए जाएंगे और प्रत्येक महीने में अधिकतम 20 बैठक तक का प्रावधान है। अब बात करते हैं पद स्थापना का स्थान कहाँ है, तो चयनित अभ्यर्थियों को बिहार राज्य के 38 जिले में स्थापित बिहार किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति में कार्य करना होगा। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अब सवाल है कि आवेदन करें कैसे, तो इच्छुक आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले इस भर्ती का पूरा विवरण इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर पढ़ ले। सुयोग्य और पात्र अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम इन पदों के लिए महत्वपूर्ण तारीख की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तारीख 25 जून 2022 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2022 है। ध्यान रहे कि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जरूर चेक करें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।